अगर ये टिप्स अपनाएंगे तो रिलेशनशिप में कभी भी झगड़े नहीं होंगे। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि रिश्ते में झगड़े ना हो, रिश्ता सही से अच्छा चलता रहे। लेकिन सिर्फ सोच लेने से रिश्ता अच्छा या सच्चा नहीं चलता। रिश्ते को चलाने के लिए हमें कुछ सही कदम उठाने होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें करनी होती हैं। क्योंकि रिश्ते में दो लोगों का मिलन होना, यानी कि अलग अलग लोग, अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अपनी अपनी राय वजह होगी, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें पैदा होगी और झगड़े होंगे। लेकिन झगड़े हो ही ना, उसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, जब भी आप शुरुआत में रिश्ते में होंगे तो छोटी मोटी बहस, छोटी मोटी चीज़ें, वो तो सब होता रहेगा। लेकिन जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, सामने वाले को आप समझते हैं, कुछ चीज़ों के लिए आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। वो चाहे कुछ भी करें, लेकिन कुछ मामलों में आप कंफर्टेबल फील करेंगे, कुछ मामले आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, कुछ मामलों में आप सोचेंगे कि ठीक है, सब कुछ अच्छा ही है, कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाने के कारण फिर झगड़े कम होने लगते हैं। लेकिन कई लोगों के जीवन में झगड़े कम नहीं होते, क्योंकि ना ही वो सामने वाले को समझने का प्रयास करते हैं, ना ही वो एक दूसरे को समझने का और स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी यही बात है कि अगर आप सामने वाले को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी बातों को, आदतों को, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सब चीज़ों को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बीच के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लड़ाइयाँ थी, वो ज़्यादातर ख़त्म हो जाएगी। फिर लड़ाई होगी, लेकिन वो लड़ाई अच्छी लगेगी, आपको मीठी लगेगी। तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे सोचते हैं, तो झगड़े कम होंगे। कई मामलों में अगर आपको लगे कि अब झगड़ा शुरू हो सकता है, तो वहाँ पे बोलना बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। थोड़ा मूड माहौल ख़राब हो तो उसे सुधारने के लिए कुछ हंसी मजाक वाली बातें, कुछ अच्छी चीज़ें, उनको पसंद हो वैसी चीज़ें करने की तैयारी करिए, ताकि माहौल फिर से अच्छा बना रहे और लड़ाई झगड़े कभी ना। तो ये कुछ टिप्स आप आजमाते हैं तो आपके रिश्ते में लड़ाइयाँ बहुत ही कम हो जाएगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या करते हैं अपने रिश्ते में लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए, या तो फिर ना ही हो उसके लिए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF राजा बजरू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।